हरे कृष्णा। तो हम सब देख रहे हैं श्रीमद् रामायण, टीचिंग्स फ्रॉम रामायण, रामायण से शिक्षाएं। तो अब तक हम लोगों ने देखे कि भगवान रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आते हैं। भगवान रामचंद्र का राज्याभिषेक होते हैं, वहाँ रामचंद्र महाराज बनते हैं और सीता माता अयोध्या की महारानी बनती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और इसी बीच में सीता माता गर्भवती होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, लव कुश उनके गर्भ में आते हैं। तो इसी बीच में उनके राज्य का, अयोध्या के राज्य में एक धोबी होता है जो सीता माता के ऊपर इस प्रकार से आरोप लगाता है कि सीता माता दूषित हो गई है, क्योंकि वह अराउंड लगभग 1 साल तक रावण के लंका में रावण के साथ रह के आई है। और ये जो सीता देवी गर्भवती है वह राम जी का बच्चा नहीं है, वह रावण का बच्चा है। तो इस प्रकार से गंदा आरोप, बुरा लांछन माता सीता और राम जी पे लगाया जाता है कि रामचंद्र को सब कुछ पता है, जानबूझ के वह अपनी पत्नी से इतना आसक्त हैं, पत्नी के मोह में इतना पड़े हुए हैं कि पत्नी को छोड़ नहीं पा रहे हैं और पत्नी को महारानी बना के रखे हुए हैं। क्योंकि जो धोबी की पत्नी थी वह एक रात तूफान में फंस गई थी और किसी दूसरे पुरुष के घर पे एक रात बिता के आई थी, तो उसको निकाल देता है, बोलता है कि नहीं, तुमको नहीं रखूंगा, तुम अपवित्र हो गई हो। और वह लाख बोलती है, रोती है कि नहीं, मैं पवित्र ही हूँ, तुम्हारे अलावा किसी और को चिंतन नहीं किया मैंने, स्वप्न में भी नहीं सोचा, तुम ही मेरे सब कुछ हो, मानता नहीं हुआ। और यह फिर एक केस राम जी के राज्य में जाता है, फाइनली कोर्ट केस, राम जी के दरबार में ये केस होता है। तो रामचंद्र उसको समझाने का काफी प्रयास भी करते हैं, लेकिन फाइनली जब वह अड़ा रहता है कि नहीं, मैं तो इस अपनी पत्नी को रखूंगा नहीं और अपनी पत्नी को मुझे छोड़ना है क्योंकि यह दूषित हो गई है, तो फाइनली फाइनली रामचंद्र को मतलब मजबूरी वश ऐसा निर्णय देना पड़ता है कि मतलब ठीक है, जो स्त्री घर से बाहर रहती है और स्पेशली रात्रि के समय, तो फिर उसको दूषित ही माना जाता है। ऐसा कह के रामचंद्र इस डिसीजन या निर्णय सुना देते हैं कि ठीक है, आप अपनी पत्नी के साथ अभी नहीं रह सकती, आपको वन में जाना पड़ेगा पति का घर छोड़ के। तो रामचंद्र ऐसा निर्णय ले लेते हैं। और फिर अब यही बात रामचंद्र को पता चलती है कि यही ऐसी ही बात रामचंद्र के लिए उनके राज्य वाले कर रहे हैं, और धोबी फैला रहा है बात, और राज्य वाले भी इन सब बातों के लिए कन्विंस हो रहे हैं, मान रहे हैं कि सीता देवी दूषित हो गई है, रामचंद्र पत्नी से आसक्त होकर उनको रखे हुए हैं। तो रामचंद्र जब गुप्तचरों से और खुद भी जब रामचंद्र छिपे हुए वेश में जब जाते हैं, इस प्रकार का जब वार्ता होता है, तो रामचंद्र भगवान बड़े दुखी हो जाते हैं। और क्योंकि रामचंद्र भगवान तो जान रहे होते हैं ना, वो तो परमात्मा है, पहले तो भगवान, परम भगवान है, उनको पता था कि रावण जो ओरिजिनल सीता देवी थी, जो असली सीता देवी थी, उनको लेके नहीं गया था, क्योंकि पंचवटी में जिस जहाँ पे सीता मैया का हरण हुआ था उसी स्थान पे पंचवटी पहुंचने के कुछ ही समय बाद रामचंद्र भगवान ने सीता देवी को, ओरिजिनल वास्तविक सीता देवी को अग्निदेव को दे दिया था। और ये जो सीता देवी को ले गया था ये तो सीता देवी की छाया मात्र थी, तो ये पता था रामचंद्र को, पूरा पूरा पता था। दूसरी बात, जो राम जो सीता देवी वापस आती है, मतलब रावण का जब वध हो जाता है, तो सबके सामने भी वो अग्नि परीक्षा लेते हैं भगवान, ताकि वहाँ के लोगों को विश्वास हो जाए कि सीता देवी पवित्र है। और अग्निदेव खुद बात आके इस बात का साक्षी देते हैं कि हे रामचंद्र, हे प्रभु, आपकी जो भार्य, आपकी पत्नी सीता देवी है, वो परम पवित्र है और शरीर से और मन से, वाणी से हमेशा केवल आपका ही चिंतन किया है, इस प्रकार का पूरा भरोसा दिलाते हैं अग्निदेव। और फिर सीता देवी, ओरिजिनल सीता देवी को लौटा देते हैं। तो ये तो मतलब एक बात होता है कि उनको अपनी वास्तविक सीता पानी होती है, इस वजह से ऐसा अग्नि परीक्षा होता है, क्योंकि छाया सीता कुछ छोड़ के ओरिजिनल सीता रामचंद्र का वापस आ गया। जब अयोध्या में इस प्रकार का लांछन लग गया सीता देवी पे, तो
तो और क्योंकि इसके पहले रामचंद्र जी ने जस्टिस एक न्याय दे दिया था, वो जो धोबी की पत्नी थी उसको बोला था कि नहीं अब तुम दूषित हो गई हो, ऐसा तुम्हारा पति भी मान रहा है और ऐसा लोग अब तक ऐसा व्यवहार समाज में ऐसा व्यवहार चला आ रहा है, तो अब तुम अपने पति के साथ नहीं रह सकते, अब तुम्हें जवान में जाना पड़ेगा। क्योंकि रामचंद्र जी निर्णय दे भी चुके थे और सबको पता था राज्य में, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न, सबको पता था कि ये उस स्त्री के साथ गलत हो रहा है, स्त्री के ऐसा लोकमत है, ऐसा व्यवहार में चला आ रहा है कि रात्रि में पराई स्त्री जो होती है उसको एक बार घर से बाहर निकल जाए ना तो उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते समाज में, है ना। बिल्कुल प्रचलन था उस समय समाज में, ऐसी मान्यता बिल्कुल प्रचलन में था ऐसा बात। और ये तो लाखों वर्ष पहले की बात हम बता रहे, रामायण ना लाखों वर्ष पहले ही बीत चुकी है ना, त्रेता युग की बात हम कर रहे हैं, ये तो द्वापर युग में भी ऐसा प्रचलन था। द्वापर युग तो अभी कुछ ही समय पहले गया है, आज से करीब 5,500 साल पहले द्वापर युग बीता है ना, उस समय भी ऐसा प्रचलन था, है ना। आपको पता है ना वहाँ कृष्ण की 16,000 जो 100 रानियां थी उनको भौमासुर नामक असुर था, वो भौमासुर असुर ने पूरे पृथ्वी से अलग 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 राजाओं की सुंदर सुकुमारी को, मतलब जो 16 साल 18 साल जिन रानियों की, जिस राजकुमारी की उम्र थी ना अविवाहित, है ना, जो कुआरी कन्याएं थी, सुंदर सुंदर राजकुमारियां थी राजाओं की, उनका जबरदस्ती उसने हरण किया था और हरण करके वह ले गया और अपने बंद कर दिया, हरण करके ले गया और अपने जेल में कारागार में बंद कर दिया। और उन लोगों के साथ कोई शारीरिक संबंध, कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाया था कोई, लेकिन उन लोगों को बस दूर ले गया था और उन लोगों को चाहता था कि रानियां उसको स्वीकार करे, ये राजकुमारियां उसको स्वीकार करे। अभी तो कोई फिजिकल इंटीमेसी नहीं हुआ था, वो दूषित नहीं हुई थी। तो फाइनली सब राजकुमारियां, 16,100 राजकुमारियां बहुत दुखी थी और वह प्रतीक्षा कर रही थी कि कारागार में बंद थी, उनको ये उम्मीद नहीं था कि वो जीवन में कभी निकल भी पाएंगी। अब तो वो मृत प्राय हो चुकी थी, मतलब मरण ही हो गया था उनका, एक प्रकार से मर ही गई थी, क्योंकि तो बाहर निकल भी गई तो उनको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा और यहाँ जेल में रही, आज नहीं तो कल वो असुर आके वो पॉल्यूट ही कर देगा। तो इस प्रकार से जब भगवान ने उस भौमासुर नामक उस असुर का जब भगवान वध करते हैं, कृष्ण आत्मवध करते हैं और इन सभी राजकुमारियों को छुड़ा देते हैं बंधन से, फिर भगवान बोलते हैं कृष्ण कि देखो राजकुमारियों, अब उस असुर का वध हो चुका है, अब आप लोग शांत हो जाइए और आपको डरने का आवश्यकता नहीं है, आप सब अपने अपने राज्य में आपकी इज्जत के साथ, अपने सम्मान सम्मान के साथ वापस लौट जाइए और अपने पिता के घर में जाइए और पिता फिर आपके। विवाह करा देंगे। तो इस प्रकार से जब कृष्ण जब प्रस्ताव देते हैं ना तो सभी राजकुमारियां बहुत दुखी हो जाती हैं, सबके सबके जो फेस थे ना, जब सबके मुखमंडल थे ना बिल्कुल मलिन हो जाते हैं, गिर जाते हैं, है ना। जैसे कृष्ण को देख के सब खुश हो गए थे, कृष्ण को बंधन मुक्त करा दिया, अब फिर दुखी हो जाती हैं सारी, बहुत जैसे उनका कोई जान निकाल रहा है, ऐसे दुखी हो जाती हैं। तो भगवान बोलते क्या हो गया, अब तो तुम्हारा सुख का समय आ गया, क्यों दुखी होती हो तुम, सभी राजकुमारियां अपने अपने घर जाओ, मैं तुम्हारी तुम्हें छुड़वाने का प्रबंध कर देता हूँ और चिंता मत करो, रथ से छुड़वाऊंगा और सम्मान के साथ छुड़वाऊंगा, चिंता मत करो। फिर वो रानी, सभी राजकुमारी दुखी होती हैं, बोलती हैं प्रभु आप ना ऐसा मत करो, है ना, आप तो एक मृत्यु के मुख से निकाल के दूसरे मुख में डाल रहे हो मृत्यु के। भगवान बोलते बोलते मतलब बोले अब हमको कोई स्वीकार नहीं करेगा, है ना, क्योंकि ये दूसरे, ये जो ये राक्षस था, असुर था, ये भौमासुर हम लोग को पकड़ के लाया जबरन, है ना, और अब हमारे घर वाले, हमारा समाज, हमारे माता पिता, हमारे भाई लोग ये बिल्कुल स्वीकार करेंगे नहीं हमें, और हमसे कोई विवाह भी नहीं करेगा, हमसे कोई विवाह भी नहीं करेगा, और हम तो निष्कासित हो गए समाज से, है ना, समाज हमारा बहिष्कार कर चुका है पहले से, अब हम जाएंगे भी ना, हम जानते हैं कि हम पवित्र हैं, हमारी पवित्रता पे कोई दाग नहीं लगा है, लेकिन अभी हमें समाज स्वीकार नहीं करने वाला, क्योंकि हमें असुर ने हरण कर लिया था और लोगों को लगेगा कि असुर ने हमारे साथ कुछ गलत ही संबंध बनाया होगा, कुछ फिजिकल इंटीमेसी हुआ होगा, कुछ शारीरिक संबंध बना होगा, तो यह कह के ना सब दुखी होती है। तो भगवान बोलते हैं क्या करें, क्या क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू नाउ, मैंने क्या करें,
है ना, समस्या तो आ गई, वो क्या करें। तो फिर सभी राजकुमारी बोलते हैं, कृष्णा आप दयालु हैं ना, अगर हमारे ऊपर आप ही हमसे विवाह कर लीजिए, है ना, हम सबको स्वीकार कर लीजिए आप। तो ये बहुत सुंदर बात है एक्चुअली, दिस इज वेरी गुड थिंग एक्चुअली, बहुत सुंदर। जब कोई ट्रबल आता है ना, जब कोई सामने वाला परेशानी में हो, और सामने वाला परेशानी में होके अगर हमसे अपनी परेशानी बोले कि बहुत सारी परेशानी सुना है, ये प्रॉब्लम 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 है ना, तो अगर हम सच में उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो पहला काम हमें ये करना चाहिए कि शांति पूर्वक, ध्यान पूर्वक सामने वाले की बात सुनना चाहिए, पूरा ध्यान से, पूरा मन लगा के, अटेंशन दे के सुनो, उसको सुनो। हाँ हाँ ठीक है, यस 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 यस, हाँ और बताइए और क्या प्रॉब्लम है, हाँ हाँ ठीक है, और ऐसे उसके सारी प्रॉब्लम को पहले सुनते जाओ, सुनते जाओ। उसके मन में जितना भी अंदर भरा पड़ा है ना समस्या, सारी समस्या को ऐसा माहौल हमें क्रिएट करना चाहिए कि उस सारी अपने मन की बातों को ना बाहर निकाल दे, उसके मन में कुछ रह ना जाए, और हमें बहुत इंटरेस्ट होकर सुनना चाहिए उसकी प्रॉब्लम को, है ना, पूरा रुचि दिखाना चाहिए सुनने में, है ना, तो उसको ना बहुत अच्छा लगता है। उसका आधा प्रॉब्लम तो ऐसे ही खत्म हो जाता है कि सामने वाला मुझे सुन रहा है, मुझे समझने का प्रयास कर रहा है। अगर कोई सामने वाला बहुत दुखी है ना, हमें हम अपनी बातों को बोलना चाहता है, और हम उसमें इंटरेस्टिंग ना दिखाएं, रुचि ही ना दिखाएं सुनने बिल्कुल, है ना, तो और डिसअपॉइंट हो जाता है, और निराश हो जाता है, बहुत निराश हो जाता है वह, है ना, और निराश हो जाता है ना। तो हमें लोगों को निराश नहीं करना चाहिए, उनको मन लगा के सुनना चाहिए, उनको और इंस्पायर करना चाहिए, उनको और प्रेरणा देनी चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि हाँ बोलो और बोलो और बोलो और बोलो, वो अपनी सारी समस्या को हमको बता पाए, ऐसा हमें एक सुंदर माहौल पैदा करना चाहिए। फिर वो बता देना, तो फिर हमें उनसे ही पूछना चाहिए एक्चुअली, अच्छा ठीक है तो क्या करें, क्या क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है, क्या उनसे ही पूछना चाहिए। वही सामने वाला व्यक्ति जो अपनी प्रॉब्लम गिना रहा है, वही व्यक्ति अपनी अपने सॉल्यूशन भी बताएगा, तो आप बोलो हाँ ठीक है तो कर लेते हैं, है ना, इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली, है ना, प्रॉब्लम सॉल्व करना लोगों को बहुत आसान है, सबको आपका अपना प्रॉब्लम भी पता है, अपना सॉल्यूशन भी पता है, वो बस चाहते हैं कि कोई उनको सुने, कोई उनको सुने और अपना सॉल्यूशन भी बताएंगे, और कोई बस यस कर दे, है ना, और वो काम कर ही लेंगे, उनका सॉल्यूशन भी हो जाएगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, और ये आपके लाइफ के हर फेज में काम करने वाला है, चाहे भक्ति के चाहे मेटेरियल लाइफ में, है ना। आपको बहुत अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, सामने वाले की समस्या को सुनना पड़ेगा, बहुत इंटरेस्ट लगा के मन लगा सुनना पड़ेगा, और पूरा उसको खाली करा देना पड़ेगा उसके मन की बात। जब मन की बात सारा बोल ले, तो उससे ही पूछिए क्या करें, तो सॉल्यूशन ही बोलेगा, तो हंस के स्माइल होना चाहिए आपके फेस में, स्माइल वो होना, स्माइल स्माइली फेस के साथ तब बोल दो, है ना, हाँ ठीक है तो कर लो, है ना, तो कर लेगा, है ना, और इससे बहुत खुश हो जाएगा वो आपसे ना, और आपका रिलेशन बिल्डिंग भी बहुत अच्छा होगा उसके साथ, बहुत स्ट्रांग बिल्डअप होगा रिलेशनशिप, संबंध आपके बहुत मधुर हो जाएंगे, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे दो भाई हो, चाहे जॉब आप कर रहे हो तो आपका कलीग हो, आपके बॉस हो, आपके फ्रेंड हो, आपके नेबर हो, भक्तों के समाज में कहीं पर भी फॉर्मूला काम करता है ना। प्रॉब्लम जब आए तो सुनो, और सुन के उसको प्रॉब्लम को समझो, और उसके बाद उससे ही सॉल्यूशन पूछो, और उसकी सॉल्यूशन को हाँ बोल दो, ठीक है कर लो, लाइक दैट, है ना, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान ने ऐसे किया, सभी राजकुमारी को प्रॉब्लम को सुना, ठीक है ठीक है ठीक है, वैलिड है, आपको ये अभी एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, क्योंकि आपको असुर ने लंबे समय तक अपने पास रखा, ठीक है तो सॉल्यूशन क्या है। सभी राजकुमारी ने बोला, प्रभु सॉल्यूशन ये है कि आप ही हमसे विवाह कर लीजिए, आप ही हमसे शादी कर लीजिए। कृष्णा ने बोला ओके ऑल राइट, बहुत अच्छा ठीक है, मैं विवाह कर लेता हूँ। तो भगवान ने बोला ठीक है, तो तुम सब चलो मेरे साथ द्वारिका चलो। द्वारिका में के बोले ठीक है, मैं रेडी हूँ, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मुझे मेरे माता पिता से पूछना पड़ेगा, मुझे मेरे माता पिता से पूछना पड़ेगा। तो माता पिता से पूछे, और वो लोग भी रेडी हो गए, है ना, देवकी वसुदेव सब रेडी हो गए। तो भगवान ने क्या किया, सबसे विवाह कर लिया। 16,100 मंडप बने, 16,100 भगवान विस्तार करते हैं, एक्सपेंशन, दूल्हे बनते भगवान, ऐसा नहीं कि भगवान एक साथ 16,100 रानी का विवाह, ऐसा नहीं किया, अलग अलग मंडप में अलग अलग राजकुमारियां हैं, और अलग अलग कृष्ण विस्तार करें, हर राजकुमारी के साथ एक कृष्ण, हर राजकुमारी के साथ एक कृष्ण, वन प्रिंसेस
वन कृष्णा, वन प्रिंसेस वन कृष्णा, वन प्रिंसेस वन कृष्णा, है ना। हर प्रिंसेस के साथ, हर राजकुमारी के साथ एक ही कृष्णा मौजूद थे। भगवान ने सबके साथ विवाह किया, सबको महल प्रदान किया, सबका अपना अपना सेपरेट महल था। ऐसा नहीं कि भगवान ने एक बड़ा सा अपार्टमेंट बना दिया, सबको एक छोटा छोटा फ्लैट दे दिया, है ना, ऐसा है ना, ऐसा नहीं किया भगवान ने। भगवान ने सब रानी को बहुत खूबसूरत, है ना, बहुत खूबसूरत महल प्रदान किया, है ना। उसमें स्विमिंग पूल भी था, गार्डन भी था, सब फैसिलिटीज के साथ, है ना। ये भगवान का ऐश्वर्य था, ये भगवान का ऐश्वर्य था। तो यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम यही थी पहले के समय में, आज से 5,500 साल पहले भी प्रॉब्लम थी, है ना, अभी भी एक्चुअली प्रॉब्लम है। अगर कभी कभी आप कुछ विलेज एरियाज में जाएंगे ना, अगर कोई लड़की बाहर बिना बताए चली जा रह जाए ना, उसको निकाल देते हैं। अभी भी ये प्रथा है। तो हम तो जो रामायण की बात कर रहे हैं ना, ये लाखों वर्ष पहले की बात है, लाखों वर्ष पहले ही घटना घट चुकी है एक्चुअली। तो सीता मैया को ना जब लांछन लग गया ना, तो राम जी भी समझ गए कि अब मैं रख नहीं पाऊंगा, अगर मैं रख लिया ना तो पूरी जो पब्लिक है ना वो एंटी हो जाएगी, है ना। सीता देवी की तो एंटी होगी और मुझे एंटी हो जाएगी। जब पब्लिक एंटी हो जाएगी ना, तो फिर किस बात का राजा है ना। एक ऐसा कौन कौन राजा जिसके साथ सिर्फ पब्लिक ही ना हो, व्हाट इज द यूज, क्या मतलब। तो भगवान राम सब जानते हुए भी रामचंद्र भगवान ने सीता देवी को बोला कि, एक्चुअली सीता देवी डायरेक्ट नहीं बोल सकते थे, तो लक्ष्मण जी को डिस्कशन किए, लक्ष्मण जी को बोले कि आप सीता देवी को वन में छोड़ाओ। और लक्ष्मण जी बहुत दुखी हुए, है ना। बट क्योंकि लक्ष्मण जी अपने भाई के अनुगत थे, तो कुछ भी करके अपने भाई की अवमानना, अपने भाई की बात काट दे, ऐसा हो नहीं सकता था। तो लक्ष्मण जी बहुत दुख मान के, है ना, और गए और सीता मैया को बोले कि माता आप को थोड़ा सा, आप गर्भवती है ना, तो थोड़ा बाहर घूमना, थोड़ा ये वनों में चलना आपके लिए अनुकूल रहेगा ना, तो थोड़ा आपको घुमा के लाते हैं। ऐसे कहके लक्ष्मण जी वन में ले जाते हैं माता सीता को, और फिर वन में जाके ना रोक देते हैं बीच रास्ते में, और खूब जोर जोर से लक्ष्मण जी क्राइंग क्राइंग रो रहे हैं। कैसे बोलते, क्या हुआ क्या हुआ, तुम बताते हैं, है ना। बोलते कैसे बताऊं माता, कैसे बताऊं, है ना, बहुत कठिन बात है ना। तो बोलते जो भी हो आप बताओ, है ना। तो जब ऐसा बोला ना कि आपको ना प्रभु ने त्याग दिया, सीता देवी को विश्वास ही नहीं हुआ एक बार। बोले कि लक्ष्मण आप मेरे से जोक परिहास करते हो, मजाक करते हो। लक्ष्मण जी बोला नहीं माता, सच में ऐसा हुआ है। तो सीता देवी तो बहुत मतलब वेरी शॉकिंग एक्चुअली, बहुत शॉक्ड न्यूज था सीता माता के लिए कि ऐसा कैसे हो गया। तो फिर उन्हें कारण पूछा, तो फिर बोला कि ऐसे ऐसे पब्लिक में आपके अगेंस्ट में आपके ऊपर ब्लेम लगाया गया है कि आप पॉल्यूट हो गई हैं, और आपके जो गर्भ में ये बच्चा है ये राम जी का नहीं है, ये उसका रावण का है। ऐसे सीता देवी बहुत दुखी होती हैं, और सीता देवी बोलती हैं कोई बात नहीं, आप चले जाओ और भगवान ये प्रभु श्री रामचंद्र की सेवा करना। तो इस प्रकार से सीता देवी के हम एक सुंदर क्वालिटी ये देखते हैं ना कि सीता देवी जब रामचंद्र का वनवास हुआ था ना, तो सीता देवी का वनवास नहीं हुआ था, सीता देवी अपनी इच्छा से साथ में गई थी। और रामचंद्र की 14 वर्षों तक, 1 साल हटा दिया जाए तो 13 वर्ष अराउंड साथ में थी, तो पूरा सेवा किया था, डेडिकेटेड होके सेवा किया था सीता देवी ने रामचंद्र का, है ना। उन रामचंद्र के कठिन टाइम में सीता देवी साथ नहीं छोड़ी थी, है ना। और यहाँ पे बिना किसी गलती के सीता देवी को रामचंद्र ने निकाल दिया, है ना। ऐसा नहीं बोला कि ठीक है आपने मायके चले जाओ, तुमसे तलाक ले रहा हूँ, नहीं, मायके नहीं भेज रहे हैं, जंगल में भेज रहे हैं, है ना, अब जंगल में रह जाओ, है ना। और लेकिन सीता देवी को थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं आया, है ना। वो थोड़ा सा भी रामचंद्र भगवान के लिए एंटी नहीं हुई, बिल्कुल मतलब इनोसेंट होते हुए और बिल्कुल फॉल्टलेस होते हुए, गलती के बिना होते हुए भी सीता देवी को इतना बड़ा पनिशमेंट मिल रहा था। वो भी उस समय जिस समय प्रेग्नेंट थी, उनके गर्भ में दो दो बच्चे पल रहे थे, है ना, और सारा सपोर्ट छिन गया उनके, है ना। वैसे भी प्रेग्नेंट लेडी को पूरा सपोर्ट केयर की आवश्यकता होती है, और वो भी जंगल में छोड़ रहे थे, कहाँ जाएंगी, कहाँ रहेंगी, क्या खाएंगी, जंगली जानवर, हिंसक पशु और सांप आदि, कोई ये सब की परवाह किए बिना उनको जंगल में छोड़ दिया गया, है ना। और उन्होंने थोड़ा सा भी बुरा नहीं माना, क्योंकि वो सीता देवी भी धर्म जानती थी, उनको जानती थी कि रामचंद्र कभी भी उनको मन से नहीं छोड़े हैं,
उनकी मजबूरी है, जितना दुख उनको हो रहा है उससे कई गुना ज्यादा दुख रामचंद्र को हो रहा है, रामचंद्र को हो रहा है। सब समझ रही थी वो, लेकिन वो भी राज्य धर्म का पालन कर रही थी, है ना, कि प्रजा राजा के लिए केवल उसका बेटा भी पूछा बेटा नहीं होता, राजा को पूरे प्रजा का हित देखना होता है, पूरे प्रजा का हित देखना होता है। इस मामले में सीता देवी ने रामचंद्र का सपोर्ट किया और बहुत प्रसन्न मन से वो वन में रहने लगी। एंड देन वेयर शी वेंट टू दिस वाल्मीकि मुनि, है ना। वाल्मीकि मुनि का भी बहुत सुंदर हिस्ट्री है। वाल्मीकि मुनि ऐसा नहीं था कि जन्मजात बहुत बड़े चढ़े ऋषि है, ऐसा नहीं था। वो तो नंबर वन लुटेरा है ना, डाकू है ना, लोगों को लूटने वाला, जान से मारने वाला है ना, इतना भयंकर भयानक डाकू था वो। उसका नाम था रत्नाकर। रत्नाकर वो जो भी जंगल में आता था यात्री उसको पकड़ के लूट लेता था और उनके जो सारा सामान लूट के उनको नहीं देते, जान से मार देता था, और जो उनकी स्त्रियां होती थी स्त्रियों का वो रेप कर देता था। बहुत ही गंदा डाकू था वो, बहुत गंदा डाकू था, है ना, बहुत गंदा डाकू था वो, है ना, दया बिल्कुल थी नहीं। और ऐसे ही एक बार समय हुआ तो नारद मुनि जंगल से जा रहे थे, नारद मुनि को पकड़ लिया। नारद मुनि ने बोला कि अरे मुझे क्यों पकड़ते हो, मेरे पास क्या है। नारद मुनि पास क्या होता है, एक वीणा होती है और जो हाथ में बजाते हैं वो मंजीरे जैसा, नारायण नारायण, है ना। तो बोलते कि ये तो है ना, इसे इसको मैं बेचूंगा, कुछ तो मिलेगा मुझे। तो नारद मुनि ने बोला कि आखिर तुम ये करते किसके लिए हो, ये तुम, तुम्हें पता है तुम पाप कर रहे हो, करते किसके लिए हो। तो फिर वो बोलता कि हाँ मुझे पता है ये पाप है, और लेकिन ये सब मैं अपने घर वालों के लिए कर रहा हूँ, इससे मैं मेरे घर वालों का, मेरे माता पिता का, मेरे वाइफ का, मेरे बच्चों का मैं भरण पोषण करता हूँ, है ना। तो ऐसे जब वो बोला ना, तो नारद मुनि बोले कि अच्छा वो पता है तुम ये गलत काम कर रहे हो, और तुमको लग रहा है कि तुमको पता है अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा। अल्टीमेट रिजल्ट बताते हैं नारद मुनि के, ऊपर नरक जाना पड़ेगा। तो बोलता अच्छा, तो बोले कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा साथ निभाएंगे। तो बोलता है हाँ बिल्कुल निभाएंगे, मैं उनके लिए इतना पाप कर्म करता हूँ, दिन रात बाहर जाता हूँ कमाता हूँ, तो बिल्कुल निभाएंगे, क्यों नहीं निभाने वाले हैं। तो अच्छा जाके पूछ के आओ। तो ठीक है तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो, मैं यहाँ से जाऊँगा और तुम भाग जाओगे, है ना, यहाँ से भाग जाओगे। तो बोलते नहीं नहीं मैं भागूंगा नहीं, आप मुझे बांध दो, आप मुझे पेड़ से बांध दो, टाइटली बांध दो। तो टाइटली बांध देते हैं एक्चुअली ना, टाइटली बांध देते हैं। फिर जाते हैं पूछते हैं, बोलते हैं कि मेरी माता आप बताओ, रत्नाकर डाकू पूछ रहा है अपनी माता से, माता मैं तुम्हारे लिए दिन भर चोरी करता लूटता हूँ, लोगों को जान से मारता हूँ, मैं नरक जाऊँगा, पाप कमा रहा हूँ, तो तुम मेरे साथ नरक में आओगी। माता बोली मैं क्यों आऊँगी, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारा धर्म है मेरा बुढ़ापे का सहारा बनना, तुम कैसे भी कमा के लाओ, मेरा भरण पोषण करो, मैं क्यों तुम्हारे नरक में आऊँगी। पिता भी यही आंसर दिए कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, और तुम्हारा धर्म है पिता की सेवा करना, कैसे भी तुम मुझे खिलाओ पिलाओ, मैं क्यों नरक में आऊँगा। पत्नी को बोली कि पत्नी तो अर्धांगिनी होती है, आधा पाप का हिस्सा लेगी। पत्नी बोलती है मैं कोई पाप का हिस्सा नहीं लेने वाली हूँ तुम्हारा, तुम्हारी मर्जी, कैसा भी मुझे खिलाओ, कैसा भी भरण पोषण करो, है ना, तुम्हारा दायित्व है, तुम मुझे ब्याह के लाए हो। बच्चे सोचे कि बच्चे से पूछे कि बच्चे तुम मेरा पाप का हिस्सा बटाओगे, मेरे साथ नरक में आओगे। बच्चे बोले हम क्यों आए, हम तो आपके पर आश्रित है, आप कैसे भी हमारा हमें खिलाइए पिलाइए भरण पोषण कीजिए, हम क्यों आपके पाप के हिस्से में पड़े, हम थोड़ी पाप कर रहे हैं। उसका पूरा सिर चकरा गया और वो भागते भागते नारद मुनि के पास आता है, बोलता है बहुत बड़ा गलती हो गया ऋषि, बहुत बड़ा मेरे से, मैं तो पाप में फंस गया, अब मैं तो बहुत डर लग रहा है क्या करूं। फिर नारद मुनि ने उसको बोला कि देखो चिंता मत करो, है ना, देर से आए बट समझ में तो आया तुम्हें, है ना। तो बोले कि कोई बात नहीं, अभी भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, अब से तुम कोई भी गलत काम नहीं करोगे, किसी का लूटोगे नहीं, किसी को जान से नहीं मारोगे। बोले ठीक है नहीं मारूंगा, अभी मुझे डर लग रहा है ना, क्या करें। तो नारद मुनि बोलते हैं तुम बोलो भगवान का नाम जपो, है ना, बोलो राम 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 राम। तो इतना पापी था ना, उसे राम बोला ही नहीं जा रहा है ना, बोला नहीं बोल पा रहा हूँ। तो फिर वो राम राम बोला था, लेकिन वो उसके मुंह से बार बार निकल रहा था मरा 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 मरा। तो नारद मुनि ने बोला कि सोचे कि अरे तो क्योंकि डाकू था तो ये हमेशा ही बोलता था लूटो काटो मारो, लूटो काटो मारो, तो मारो मारो बोलता था ना, इसलिए मरा मरा निकल रहा था उसके मुँह से। तो नारद मुनि ने बोले
ठीक है तुम मरा मरा ही बोलो, बुद्धिमान थे ना जो भक्त होते हैं ना, बहुत बुद्धिमान होते हैं। जय भजा कृष्ण से बड़ा चतुर, बहुत चतुर होते कृष्ण, बहुत एक्सपर्ट होते हैं। किसी को भक्ति में लाना हो ना, किसी भक्त के पीछे पड़ जाए ना, उसका तो पूरा कल्याण करके छोड़ते हैं, है ना। तो नारद मुनि ने बोला कि इसको तो भक्त बनाएंगे, डाकू को, है ना, इसको प्रचार करेंगे, इसको भक्त को अच्छा भक्त बनाएंगे। नारद मुनि ने बोला बेटा तुम मरा मरा ही बोलो, कोई बात नहीं, मरा मरा वो बोल रहा था, मरा 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 राम 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 राम, मरा 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 बोलते 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 मरा मरा राम राम बन गया, है ना। और वो इतना शुद्ध हो गया नाम जप करने से, उसके सारे पाप कर्म का फल दूर हो गया और वो पवित्र आत्मा बन गया। और माता सरस्वती ने उस पर विशेष कृपा करी और भगवान की विशेष कृपा हुई और शुद्ध भक्त नारद मुनि गुरु, नारद मुनि जैसे परंपरा के उसे प्रमाणिक वैष्णव गुरु मिल गए और वो भगवान का महान भक्त बन गया रामचंद्र का। भगवान रामचंद्र जी से आने से पहले उस रत्नाकर डाकू जो भी वाल्मीकि मुनि बन गए और ब्रह्मर्षि, है ना, और वाल्मीकि मुनि ने रामायण महाकाव्य की रचना कर डाली संस्कृत में, है ना। मोस्ट रामचंद्र भगवान के ऊपर सबसे ऑथेंटिक, सबसे प्रमाणिक लिटरेचर, है ना, उसकी रचना कर डाली, है ना, वाल्मीकि मुनि ने, है ना। तो उन वाल्मीकि मुनि के यहाँ माता सीता आज वन में आश्रय ग्रहण करती हैं और उन्हीं के यहाँ आश्रम में माता सीता अपने दो पुत्रों के, दो पुत्र लवकुश को जन्म देती है और लवकुश की गुरु बनते हैं यही वाल्मीकि मुनि, यही वाल्मीकि मुनि, है ना। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे एक चीज और हम देखेंगे कि हर एक पापी का ना एक पास्ट होता है ना। एक्चुअली हर एक अच्छे व्यक्ति का, मुझे ये कहना चाहिए, हर एक जो अभी महान भक्त है ना, उसका कोई ना कोई बुरा पास्ट होता है ना, उसका कोई ना कोई बुरा पास्ट होता है ना। और हर एक जो पापी व्यक्ति होता है ना, उसका एक बहुत अच्छा फ्यूचर होता है ना, उसका एक बहुत अच्छा फ्यूचर होता है ना। मतलब हर एक पापी व्यक्ति भविष्य में बहुत बड़ा धर्मात्मा, बहुत बड़ा भक्त बन सकता है ना। तो हमें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, जज नहीं करना चाहिए कि ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, बुरा बुरा नहीं बोलना चाहिए। क्या पता भविष्य में कौन कितना बड़ा भक्त बन जाए, अभी उसमें अगर कमियां दिख भी रही हैं तो उन कमियों को पकड़ के नहीं रखना चाहिए उसको, क्या पता भविष्य में क्या छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है ना। तो हम ये सुंदर शिक्षा ग्रहण करते हैं, है ना, ये पास्ट टाइम से वाल्मीकि मुनि के। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।